गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम यू बिहार बोर्ड उर्दू चैनल। आशा करता हूँ दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में एंट्री एग्ज़ाम 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 12 का ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर के विषय में। दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर ज़रूर कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएँ। नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। दोस्तों आइए हम अपने मूल्य समय को बचाते हुए बढ़ते हैं अपने प्रश्नोत्तर की तरफ। पहला प्रश्न है दोस्तों, परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया है? ए नंबर में ईरान, बी नंबर उत्तर कोरिया, सी नंबर भारत, डी नंबर चीन। सही आंसर दोस्तों सी नंबर भारत। अगला प्रश्न है, किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु 1966 में श्वेत संघ में हुई थी? नंबर में जवाहरलाल नेहरू, बी नंबर लाल बहादुर शास्त्री, सी नंबर राजीव गांधी, डी नंबर इंदिरा गांधी। सही आंसर दोस्तों बी नंबर लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न है, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? ए नंबर नेहरू, बी नंबर सुकुर्नो, सी नंबर नासिर, डी नंबर टीटो। सही आंसर दोस्तों डी नंबर टीटो। अगला प्रश्न है, किसने कहा भारत के लिए दूरगामी हित को देखते हुए यही हितकर होगा कि हम बिना किसी को नाराज के लाखों लोगों की सहानुभूति प्राप्त कर सकते हैं? ए नंबर में दोस्तों महात्मा गांधी, बी नंबर जवाहरलाल नेहरू, सी नंबर लाल बहादुर शास्त्री। सही आंसर दोस्तों बी नंबर जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए नंबर में है सौरा अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एवं स्वेत संघ जैसा दोनों महाशक्तियों के पारस्परिक विरोध को शीत युद्ध कहा गया। बी नंबर शीतकालीन प्रदेशों के बीच युद्ध को शीत युद्ध कहा गया। सी नंबर टढ़े के दिनों में होने वाले युद्ध को शीत युद्ध कहा गया। और डी नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर दोस्तों इसका ए नंबर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एवं स्वेत संघ जैसे दोनों महाशक्तियों के पारस्परिक विरोध को शीत युद्ध कहा गया। अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है? ए नंबर किसी गुट में शामिल न होकर स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना, बी नंबर दोनों गुटों के से समान दूरी बनाए रखना, सी नंबर दो गुटों के बीच तटस्थता की नीति को अपनाना, और डी नंबर विपरीत सभी। सेंसर दोस्तों डी नंबर विपरीत सभी। अगला प्रश्न है, 1962 में भारत पर किस देश ने आक्रमण कर दिया था? ए नंबर चीन, बी नंबर पाकिस्तान, सी नंबर अमेरिका, डी नंबर ब्रिटेन। सेंसर दोस्तों ए नंबर चीन ने। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बहुध्रुवीय विश्व में गुट निरपेक्षता की प्रासंगिक और भी अधिक है यह कथन निम्न में से किसका है? ए नंबर में है मैकमिलन, बी नंबर जवाहरलाल नेहरू, सी नंबर डीन डस्क, डी नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। सेंसर दोस्तों बी नंबर जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, नेटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रेड लीग ऑर्गेनाइजेशन क्या है? नेटो यानी नेटो क्या है? ए नंबर अमेरिका का एक शहर है, डी नंबर अमेरिकी गुट का सैनिक गठबंधन, सी नंबर सैनिक युद्ध पोत है, और डी नंबर व्यक्ति का नस्ल। सेंसर दोस्तों बी नंबर अमेरिकी गुट का सैनिक गठबंधन। अगला प्रश्न है, वर्सा पैक्ट क्या है? सोवियत गुट का ए नंबर में सोवियत गुट का सैनिक गठबंधन, बी नंबर अमेरिका एवं स्वेत संघ का सैनिक गठबंधन, सी नंबर अमेरिका गुट का सैनिक गठबंधन, और डी नंबर भारत अमेरिका एवं स्वेत संघ का दैनिक गठबंधन। सही आंसर दोस्तों इसका ए नंबर स्वेत गुट का सैनिक गठबंधन। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर विवाद में ब्रिटेन द्वारा मिस्र पर आक्रमण कब किया गया? ए नंबर 1956 ईस्वी में, बी नंबर 1960 में, सी नंबर 1961 में, डी नंबर 1965 में। सही आंसर दोस्तों नंबर 1956 ईस्वी में।
अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई? नंबर 1945, बी नंबर 1955, सी नंबर 1957, डी नंबर 1961। सही आंसर दोस्तों डी नंबर 1961 में। अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? नंबर बेलग्रेड, बी नंबर नई दिल्ली, सी नंबर कोलंबो, डी नंबर हरारे। सही आंसर दोस्तों ए नंबर बेलग्रेड। अगला प्रश्न है, नेहरू नासिर एवं टीटो ने मिलकर किस संगठन की स्थापना किया? नंबर संयुक्त राष्ट्र संघ, बी नंबर गुट निरपेक्ष आंदोलन, सी नंबर नाटो, डी नंबर वर्साय पैक्ट। सही आंसर दोस्तों डी नंबर गुट निरपेक्ष आंदोलन। अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन किस वर्ष भारत में हुआ? ए नंबर में 7वां शिखर सम्मेलन 1983, बी नंबर प्रथम शिखर सम्मेलन 1961, सी नंबर 5वां शिखर सम्मेलन 1976, डी नंबर दूसरा शिखर सम्मेलन 1964। सही आंसर दोस्तों ए नंबर 7वां शिखर सम्मेलन 1983 में। अगला प्रश्न है, पंचशील समझौता कब हुआ? नंबर 1954, बी नंबर 1955, सी नंबर 1956, डी नंबर 1957। सही आंसर दोस्तों ए नंबर 1954 में। अगला प्रश्न है, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? नंबर भारत पाकिस्तान, डी नंबर भारत बांग्लादेश, सी नंबर भारत रूस, सी नंबर डी नंबर भारत चीन। सही आंसर दोस्तों डी नंबर भारत चीन। अगला प्रश्न है, पंचशील के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सही है? ए नंबर में है, नंबर में एक दूसरे के अखंडता एवं संप्रभुता के प्रति पारस्परिक सम्मान की भावना, बी नंबर एक दूसरे देशों पर आक्रमण नहीं करना, सी नंबर दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना करना, और डी नंबर उपयुक्त सभी सही। सही आंसर दोस्तों डी नंबर उपयुक्त सभी समझौता हुआ भारत और चीन के बीच। अगला प्रश्न है, पंचशील सिद्धांत को संयुक्त राष्ट्र संघ में कब मान्यता प्रदान की गई? नंबर 1984 में, डी नंबर 1955 में, सी नंबर 1957 में, डी नंबर 1959 में। सही आंसर दोस्तों डी नंबर 1959 में। अगला प्रश्न है, भारत में जनता पार्टी की सरकार कब बनी? नंबर 1977, बी नंबर 1975, सी नंबर 1985, डी नंबर 1967। सही आंसर दोस्तों ए नंबर 1977 में। अगला प्रश्न है, जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री कौन थे? नंबर मोरारजी देसाई, बी नंबर यूपी सिंह, सी नंबर अटल बिहारी वाजपेयी, और डी नंबर चंद्रशेखर। सही आंसर दोस्तों ए नंबर मोरारजी देसाई। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत और फ्रांस के बीच यूरेनियम की सप्लाई पर समझौता कब हुआ? नंबर 1980, बी नंबर 1982, सी नंबर 1984, डी नंबर 1990। सही आंसर दोस्तों बी नंबर 1982 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना कब हुई? नंबर 1985, बी नंबर 1986, सी नंबर 1987, डी नंबर 1988। सही आंसर दोस्तों ए नंबर 1985 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? नंबर भारत, बी नंबर चीन, सी नंबर पाकिस्तान, डी नंबर भूटान। सही आंसर दोस्तों बी नंबर चीन। अगला प्रश्न है, सार्क में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? नंबर 10, बी नंबर 9, सी नंबर 8, डी नंबर 7। सही आंसर दोस्तों डी नंबर 7। अगला प्रश्न है, सार्क के सदस्य देश हैं? नंबर भारत, डी नंबर पाकिस्तान, सी नंबर बांग्लादेश, डी नंबर उपयुक्त सभी। सही आंसर दोस्तों डी नंबर उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सार्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? नंबर गुट निरपेक्ष आंदोलन को बढ़ावा, बी नंबर सदस्य देशों के बीच पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देना, सी नंबर महाशक्तियों से दूरी बनाए रखना, और डी नंबर परमाणु अस्त्रों के निर्माण पर रोक की मांग करना। सेंसर दोस्तों डी नंबर सदस्य देशों के बीच पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देना। अगला बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1999 में विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में किस पार्टी की सरकार बनी?
ई नंबर कांग्रेस पार्टी, बी नंबर जनता पार्टी, सी नंबर जनता दल, डी नंबर लोक दल। संयुक्त प्रदेश सी नंबर जनता दल। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? ए नंबर 1996, बी नंबर 1994, सी नंबर 1991, डी नंबर 1990। संयुक्त प्रदेश सी नंबर 1991 में। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, ताशकंद समझौता कब हुआ? नंबर 1966, बी नंबर 1967, सी नंबर 1972, डी नंबर 1975। सही आंसर दोस्तों नंबर 1966 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, ताशकंद समझौता में मुख्य बातें क्या थी? नंबर भारत पाकिस्तान एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे एवं विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करेंगे। बी नंबर में है, भारत पाकिस्तान व्यापार को बढ़ावा देंगे। सी नंबर भारत पाकिस्तान आतंकवाद पर रोक लगाएंगे। नंबर उपयुक्त सभी दोस्तों, इसका सही आंसर है ये नंबर, भारत पाकिस्तान एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे और विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करेंगे। तो ये था दोस्तों इंटर एग्जाम 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 12th का ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर। दोस्तों आज नहीं तक रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। धन्यवाद।